और एक बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने अब तक 8 नक्सलियों को मार गिराया और मारे गए नक्सलियों के बाद से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। 8 नक्सलियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ में ये मुठभेड़ चल रही है सुरक्षा बलों के जवानों और नक्सलियों के बीच, और अब तक की जानकारी के मुताबिक 8 नक्सली मारे गए हैं और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ। नदी को पार करते ये जवान, इन तस्वीरों को देखकर कोई भी एक बार सहम जाएगा कि आखिर किस बड़े ऑपरेशन के तरफ ये जवान मार्च कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दे कि ये जवान दरअसल किसी बड़े ऑपरेशन की तरफ मार्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देकर लौट रहे हैं, जिसको लेकर खबर है कि इन जवानों ने 8 हथियारबंद नक्सलियों को मारकर ढेर कर दिया है। एक तरफ हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय सेना पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकियों के ऊपर कार्रवाई तेज कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो ट्राइबल इलाके हैं छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, उड़ीसा के कुछ एक क्षेत्र, यहाँ सब में हम देखते हैं कि एक नक्सलवादी मूवमेंट जो है वो तेजी से फलता फूलता रहता है। भारतीय सेना ने बड़ा पलटवार किया है और बड़ा तरीके से जो है वहां पर उस मूवमेंट को कुचलने के लिए 8 से ज्यादा जो है वो नक्सलवादियों को यहाँ पर जहाँ जाना चाहिए था वहां भेजने का काम किया है। अब हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि कश्मीर के अंदर ये पूरा मामला, पंजाब के अंदर खालिस्तान का मामला, ट्राइबल एरियाज में ये नक्सलवाद, कहीं पश्चिम बंगाल में बाकी जगह देखते हैं, कहीं माओवाद, नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं फिल्ट्रेशन होती रहती है, बाकी जगहों पे हम देखते हैं कहीं नॉर्थ साउथ डिवाइड है, कहीं लैंग्वेज को लेकर डिवाइड है, कहीं किसी चीज़ को लेकर है। अब देखो आप साउथ में भी 5 राज्य है, 5 राज्यों में अपना लैंग्वेज को लेकर अलग तरह का जो है वो प्रॉब्लम है, आर्यन द्रविड़ियन एक नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन प्रॉब्लम। तो ये सब चीज़ें कौन कह सकता है कि प्लांटेड नहीं है, कौन कह सकता है कि हर एक राज्य में कुछ ना कुछ लूप होल देख के वहाँ का जो समस्या है उस हिसाब से एक एंटी कंट्री या एंटी स्टेट मूवमेंट जो बनाया गया, ये सब चीजें एक रियलिटी हैं। सुरक्षा कर्मियों को पलटून नंबर 16 और इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इन तस्वीरों में जिन जवानों को आप नदी पार करते हुए देख रहे हैं, ये नदी भी इंद्रावती ही है और जवान घने जंगलों से ऑपरेशन को अंजाम देकर कुछ इस तरह लौट रहे हैं। इसके बाद जब जवानों को इस मूवमेंट के बारे में जानकारी हुई तो ऑपरेशन सूर्य शक्ति पॉइंट 5 शुरू किया गया। इस घटना के साथ ही इस साल राज्य में सुरक्षा बलों के 7 अलग अलग मुठभेड़ों में अब तक 108 नक्सलियों को मार गिराया गया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था, 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है, यही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। सुबह नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू की, जवानों ने भी मुस्तैदी से मोर्चा संभाला और रुक रुक कर मुठभेड़ चलता रहा, जिसके बाद जंगल में सर्च में अब तक 8 वर्दीधारी नक्सलियों को शव और उनके हथियार के साथ बरामद किया गया है। कई और नक्सलियों के घायल होने की भी प्रबल संभावना है, लेकिन जिस तरह से लगातार नक्सलियों का सफाया हो रहा है उससे एक बात तो साफ है कि जो भी भारत के खिलाफ हथियार उठाएगा उसका अंजाम क्या होगा, ये साफ साफ देश के सुरक्षा बलों ने अब बता दिया है। पाकिस्तान की तरफ से एक रिपोर्ट आई इंटीरियर मिनिस्टर की, वो ये कि 62 चाइनीज मारे गए हैं पिछले चार साल में 8 हमले हुए, 62 चाइनीज मारे गए हैं। ये साथ में एक और खबर अभी आई कुछ टाइम पहले कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस नहीं आएंगे पाकिस्तान, पहले आना लगभग तय था। उससे भी बड़ी बात, चाइनीज इज ओनली लुकिंग फॉर बिजनेस, वो अपना बिजनेस बढ़ाने आए हैं, चाहे कहीं पर उन्हें 2 रुपए मिले चाहे 2 आने मिले,
फायदे का सौदा है तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिकली, मिलिटरली, इकोनॉमिकली, तीनों ही चीजों में विन विन सिचुएशन सिर्फ चाइना के फेवर में है, पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। जहां तक बात है किलिंग्स का, ये लोकल सेंटिमेंट है, पाकिस्तान का सेंटिमेंट नहीं है। जो लोकल्स वहां के, सीपेक का जो प्रोजेक्ट जहां चल रहा है, उस रस्ते में जिस तरीके से चाइनीज पुलिस वालों को पीट रहे हैं, औरतों को गायब कर रहे हैं और अपने देश ले जा रहे हैं प्रोस्टिट्यूशन के लिए, ये एक मुस्लिम कम्युनिटी को, एक पठान कम्युनिटी को बिल्कुल मंजूर नहीं। तो सऊदी देखता है, सऊदी हैज बिकम वेरी वाइज, भाई हूं मैं आपका, भाई हूं मैं आपका, लेकिन अपना घर लुटाकर भाई नहीं बनू, भाई भाईचारा नहीं निभा पाऊ। वो भाईचारा निभाने के लिए तैयार है एज अ ह्यूमैनिटी, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से आप भी समझिए और कोई भी इसे वैल्यूएट कर लीजिए। आप मेरे भाई जभी तो होंगे जब आप मेरे जैसे होंगे, ह्यूमैनिटी में विश्वास करेंगे, इन्वेस्टमेंट में विश्वास करेंगे, लोगों के भले में विश्वास रखेंगे, लोगों को एजुकेशन देंगे। दिखता है कि पीओके में आप ही के खिलाफ कितना कुछ हो रहा है। आप अगर किसी भी दूसरी कंट्री के बारे में बात कर रहे हो, भारत के बारे में, जो कि उनका तकिया कलाम रट्टू तोता की तरह वो बोलते हैं, तो उसमें दूसरी कंट्री एम्बरेस हो रही है कि हम क्या बोले। रईसी साहब ने एक शब्द नहीं बोला जेएनके के ऊपर, सिर्फ उन्होंने वो बोला जो इंडिया बोलता है कि इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से जो आपके एग्रीमेंट्स हैं उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना चाहिए। इंटरनेशनल के हिसाब से सीधा सीधा ये था कि प्लेबिसाइट जब होगा, जब पाकिस्तान पीओके को वकेट कर देगा, इंडियन आर्मी ऑक्यूपाई करके एक माहौल बनाएगी, को 100 ग्राम और 125 ग्राम के बॉम्ब्स के बारे में बात करने लगते हो, तो आपका कैरेक्टर, आपकी स्टैंडिंग एक अनस्टेबल, अनरिलायबल हो जाती है। दैट इज वेयर आप देखेंगे कि सऊदी जैसी कंट्रीज आपको एश्योरेंसेस देगी, आपको मेंटल सपोर्ट देगी, आपको मे बी वर्बल सपोर्ट देगी, लेकिन पैसे नहीं देगी आपके लिए। वो लड़ाई नहीं लड़ेगी, वो पूरी इंटरनेशनल मार्केट में आपके साथ खड़ी हुई दिखना नहीं पसंद करेगी, वो सिर्फ आपके साथ मुस्लिम भाईचारा निभा पाए। मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन जितना उन्हें चाहिए वो जरूर नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। क्योंकि देने वाला आदमी भी आपकी औकात देख कर देता है कि कितना आप दे पाएंगे, क्योंकि जजमेंट करना पड़ता है। आपने बड़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया कि सऊदी इज ऑयल रिच, ऑयल के ऊपर वो पूरा का पूरा कंट्री इतने सालों से सरवाइव कर रहा है, लेकिन वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो रहा। डेवलपमेंट कहां से लाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से लाओगे? सो इसलिए वो नॉन ऑयल फील्ड्स के अंदर जा रहा है, जहां पर वो एक वर्ल्ड स्टैंडिंग बनाए, इकोनॉमिक स्ट्रांग होल्ड रखे, और सबसे बड़ी बात स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक रिलेशन रखे। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सेना, भारतीय सेना और जो नक्सली ग्रुप हैं, जो नक्सलवादी समूह हैं, उनकी तरफ से बड़ा अटैक्स किए जा रहे हैं भारतीय सेना ग्रुप किए क्या जा रहे हैं। वो तो लंबा सिलसिला चलता आया है नक्सलियों का, वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली, और उसी के विरोध में भारतीय सेना ने भी जो है वो तेजी से इनके ऊपर अटैक किया। अच्छा, बड़ी ही विचित्र किस्म की बात है, कोई शर्म नहीं है नक्सलवादियों को, माओवादियों को। बंगाल में हमने देखा, हम छत्तीसगढ़ और इधर ट्राइबल एरियाज में हम देखते हैं, अन्य जगहों पर देखते हैं, खुल के लाल झंडा, लाल सलाम और वामपंथी विचारधारा, वामपंथी झंडे, वामपंथी नारे नजर आते हैं इन नक्सलियों और जो भारतीय सेना के ऊपर अटैक कर रहे हैं इनके बीच। और वही दूसरी तरफ यही CPM, यही लेफ्ट फ्रंट, ये सब भारत के अंदर ही चुनाव भी लड़ते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि असंवैधानिक तरीके से जीत के आते हैं, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से ही जीत करके आते हैं, मगर जो मतदाता हैं उनको प्रयास करना चाहिए बेहतर स्थितियों को समझने का, कि जो आपके सामने हाथ जोड़कर यदि कोई व्यक्ति आ रहा है लाल झंडा लेकर वोट मांगने, वही लाल झंडा कोई हाथ में बंदूक पकड़ के जो भारत के सैनिक के ऊपर, भारत के जवान के ऊपर गोली चला रहा है, उसके हाथ में भी है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो समझा जाना चाहिए। हालांकि मतदाता जो है वो समझदार होता है, जो मतदाता है वो कई सारे फैक्टर्स देखता है तब वोट करता है, बहुत सारी कहानियां हैं, मगर
ये तो कभी भी नहीं हुआ कि जो लेफ्ट है उसने डिसोन कर दिया हो नक्सली मूवमेंट को, या जो ये नक्सली नक्सलवादी हैं, जो ये माओवादी हैं, इन सब ने कभी डिसोन कर दिया हो लेफ्ट को कि हमारा लेफ्ट से कोई लेना देना नहीं, हम अपने स्वयं के बागी हैं, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं। एक बड़ा सिलसिला चलता रहा है कि दोनों की दोस्ती यारी व्यवहार जो है वो दिखते रहें। तो यही वो चीज़ें हैं जिसको जो है बेहतर तरीके से और सुलझनी चाहिए।